इसे कहते हैं सरकार की कार्रवाई, जिसकी चहुओं प्रशंसा होगी, क्योंकि आमतौर पर झारखंड की वर्तमान सरकार की नीतियों ने जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में नाकाम दिखी है, वहीं पलामू के मत्स्य पदाधिकारी को सरकार ने नाप दिया। कैपिटल न्यूज वायरल वीडियो के नाम से आपको पहले ही जिला मत्स्य पदाधिकारी के गड्डी वाले कारनामे दिखा चुकी है। कार्यालय में रुपयों की गड्डी लेते वीडियो वायरल होने के बाद पलामू के वर्तमान जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार बिन्हा को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि निलंबन के बाद विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश तत्काल नहीं दिया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अपर निदेशक सह अवर सचिव अंजनी कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि वायरल वीडियो को देखने से पता चलता है कि जिला मत्स्य पदाधिकारी वीरेंद्र बिन्हा ने सरकारी योजनाओं में अवैध रूप से राशि की उगाही की है। दरअसल यह मामला तब तुल पकड़ा जब भारतीय युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष मणिकांत सिंह ने वायरल वीडियो के साथ जांच की मांग मंत्री बादल पत्रलेख से की थी, जिस पर कांग्रेस मंत्री बादल पत्रलेख ने पलामू में मत्स्य पालन को लेकर चल रही गड़बड़ झाला पर बड़ी कार्रवाई कर दी है। इस कार्रवाई से जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वहीं अब सबकी निगाह सरकार पर अटकी है कि क्या आने वाले वक्त में ये कार्रवाई जारी रहेगी ताकि अफसरशाही पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि भले ही कोई कहे या ना कहे मगर पलामू में अफसरशाही तो हावी है ही।